नमस्कार दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार फ्रॉम एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की चीज़ें। तो यूजर फॉर्म में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऑनलाइन कराते हैं, तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक बड़ी अजीब चीज़ बताने वाले हैं। क्या होता है कि जैसे कि यूजर फॉर्म आप यूज करते हैं, तो यूजर फॉर्म में इतने सारे आपके पास टूल्स कंट्रोल्स होते हैं। इनके अलावा टूल्स जो है राइट क्लिक करके एडिशनल कंट्रोल्स आप चूज कर सकते हैं। जी हाँ, एडिशनल कंट्रोल्स चूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको डीटी पिकर, कैलेंडर, पीडीएफ, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करनी हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आपको वही आज बताने जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँ तो ये राइट क्लिक करने पे एडिशनल कंट्रोल आपका नहीं आता है। तो एडिशनल कंट्रोल ना आने के कारण आप बहुत सारे जो फीचर्स है उस फीचर को यूज नहीं कर पाते हो। तो कैसे आएगा एडिशनल कंट्रोल? इसको लाने का सिंपल तरीका है कि जहां से आप एक्सेल ओपन करते हो, जैसे कि टास्क बार हो गया, या फिर आप सर्च करते हो, जैसे मैं 2013 यहाँ सर्च किया, तो इसके राइट क्लिक करके इसकी जो इस पे राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो इसकी फाइल लोकेशंस में चले जाएं और इसकी राइट क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक मिनट रुक जाइए। इसका एक लोकेशन होगा ना, इसका लोकेशन होता है, शॉर्टकट का लोकेशन, उस पे जाना होता है। या फिर आप विंडो में चले जाएं, या फिर आप यहाँ इस पे आ जाएं, राइट क्लिक करके आप इसकी जो एक्सेल 2016 है इस पे राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज पे आए। जब इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो आपको एक कैपेबिलिटी मिलेगा, कैपेबिलिटी। इस कैपेबिलिटी पे जाएं और यहाँ रन दिस प्रोग्राम इन कैपेबिलिटी मोड पे जाके आप इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से विंडो 8 या विंडो 7 या फिर कोई भी सर्विस पैक एक्सेल विस्टा, उसके बाद ओके करें। उसके बाद इस पे जैसे आप एक्सेल को खोलेंगे, वीवीए खोलेंगे, फिर आपको एडिशनल कंट्रोल आ जाएगा। तो टास्क मेनू बार पर राइट क्लिक करना, लेकिन एक्सेल 2013 में आप बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए उसकी इस पे जाना पड़ता है, उसके जहाँ इंस्टॉल होता है ड्राइव में, जैसे कि यहाँ पे रहा ना आपका एक्सेल, तो ये एक्सेल इस पे रख लोगे आपको प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ आपको कैपेबिलिटी मोड नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है कैपेबिलिटी मोड, नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी के नीचे आप देखेंगे एक आपका बात है एक्सेल कैमनेंस करके आता है, इस पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो इसकी कैपेबिलिटी मोड आएगी, और यहाँ से आप अपना एक्सेल 2008 जो है कैपेबिलिटी मोड रख लें एंड इसको ओके अप्लाई करके एंड ओके करें। तो यहाँ से कर सकते हैं जहाँ सेव होता है। तो अब मैं डेवलपर टैब पे जाता हूँ, विजुअल बेसिक, और हम मॉड्यूल को इंसर्ट करते हैं, यूजर फॉर्म, सॉरी यूजर फॉर्म को। अब राइट क्लिक कीजिए, एडिशनल कंट्रोल, यहाँ एडिशनल कंट्रोल आपके सामने दिख जाएगा। दिख गया। अब यहाँ से जैसे कैलेंडर कंट्रोल हो गया या बाकी और भी कंट्रोल जो आपने इंस्टॉल किया वो चीजें यहाँ से आप ला सकते हो। तो एडिशनल कंट्रोल का इस्तेमाल हम इसी तरीके से करते हैं। तो 2013 पे लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, देखिए। यस लेकिन
आ जाता है, वहाँ भी आपका एडिशनल कंट्रोल आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए कुछ और देखना होगा। तो ये रहा एडिशनल कंट्रोल कैसे लाएंगे, एक बार आप चेक करके देखिएगा, फिर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। और अगर आपको मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास को लेने के लिए आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, सिस्टम या मोबाइल फ़ोन होनी चाहिए, या फिर हमारी DVD परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट www.iptindia.com पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।